जब ऐसा नौजवान पार्षद आपके दुख बांटने के लिए सदैव तत्पर रहता है तो यह भी आपके सेवक के रूप में सदैव कार्य करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कि केवल आपके पार्षद के रूप में नहीं लेकिन कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सदैव आपकी बात, विकास की बात, अनुसूचित जाति, एक एक जनता की बात उठाने की मेहनत और मशक्कत सदैव चतुर्भुज मौलिया मेरे साथ मेरे समक्ष भी सदैव करता है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज जब मैं इस कार्यक्रम में पहुंचा राजनीति में मेरा अगर कोई मकसद है तो वो राजनीति के लिए नहीं होता। मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव कहा था कि लक्ष्य सदैव जनसेवा होना चाहिए, लक्ष्य सदैव विकास होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और इसलिए मेरे दिल में भी जो ललक है विकास के लिए, एक ललक है प्रगति के लिए और उसी उद्देश्य से एक अलख हमने और आपने मिलकर जगाई थी। इस ग्वालियर चंबल संभाग में, इस मध्य प्रदेश में कि आज परिवर्तन की मांग है, क्योंकि आपके और हमारे दिल में एक ही मंशा थी और वो थी विकास की, प्रगति की, न्याय की। और आज इस वार्ड में भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आपने केवल चतुर्भुज को नहीं जिताया 4 साल पूर्व, लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने इस क्षेत्र से भी कांग्रेस के विधायक मन्नालाल जी को जिताकर जो परचम लहराया है उसके लिए मैं सदैव इस वार्ड के निवासियों के लिए भी कृतज्ञ रहूंगा। और इसलिए जब मैं आज यहां आया, मैंने पूछा कि हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं, कौन कौन से कार्य हैं। और जब सूची मेरे सामने रखी गई जो 5 करोड़ के कार्य का लोकार्पण अकेला एक पार्षद अपने वार्ड में कर रहा है, और जब इस सूची को मैंने पढ़ी तो एक ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां इस जुझारू पार्षद ने मिलकर आप लोगों के लिए विकास और प्रगति न किया हो। तो जहां हम अतीत की बात करते हैं कि जो कार्य संपन्न हो चुके हैं, जिसका हम लोकार्पण कर रहे हैं, उन लोकार्पण के कार्य के साथ साथ एक नई आधारशिला रखी जा रही है, एक नया दीपक जलाया जा रहा है, एक नई ज्योति पुंज की शुरुआत हो रही है जहां 2 करोड़ की लागत से नए कार्यों की आधारशिला और भूमि पूजन भी रखी जाए। अभी विवेक नगर के कई लोग मुझसे मंच पे भी मिलने आए थे कि सिंधिया जी, इस क्षेत्र में विकास और प्रगति की बहुत जरूरत है, इन 2 करोड़ के कार्यों में 1 करोड़ कुल मिलाकर केवल विवेक नगर कॉलोनी के लिए है, यहाँ मेन रोड और यहाँ सीसी रोड के निर्माण के तहत आप लोगों के लिए किया जा रहा है।
और जो अभी चतुर्भुज ने अपने मंच से कहा कि एक बार सिंधिया जी आप हमारे साथ चलिएगा, मैं जमीन का आदमी हूं चतुर्भुज, और जहां आप तुम बोलोगे, जहां मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलेगा और बुलावा आएगा, वहां ज्योतिराय सिंधिया बड़े मुश्किल से हमने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैठाई, बड़े मेहनत और मशक्कत से आप लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, और ये संकल्प मैंने लिया था आपके सामने कि हमारी सरकार को आप स्थापित करो, एक न्यायपूर्ण लोखनमुखी सरकार हम स्थापित कराकर आपको देंगे, ये विश्वास मैंने आपको दिलवाया था, और आज भी उस विश्वास पर मैं अडग हूं। कांग्रेस की सरकार दिसंबर में स्थापित हुई है, दो महीने में चुनाव आ गए, दोबारा आचार संहिता लग गई, जून के माह तक आचार संहिता थी, मेरे मन में मेरे दिल में भी एक मानचित्र है विकास के लिए और प्रगति के लिए क्षेत्र के लिए, और ये विश्वास मैं ग्वालियर की जनता को देना चाहता हूं कि आपकी विकास की लड़ाई, आपकी प्रगति की लड़ाई, ये आपका सेवक अंतिम क्षणों तक लड़ेगा, ये विश्वास आपका। और जहां हमारी कमियां भी होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए भी सच्चाई की लड़ाई में लड़ूंगा, ये विश्वास रखना। सरकार कांग्रेस की है, हमारी है, लेकिन सैनिक और सेवक मैं आपका हूं, और वो सच्चाई की लड़ाई जीवन के अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आपका हमारा रिश्ता केवल राजनीति का नहीं है, आपका हमारा रिश्ता एक प्रगति का है, एक विकास का है, एक हृदय का है। 70 साल से जनसेवा के पथ में मैं चला हूं, क्योंकि दिल में एक ललक है कि भगवान ने जो एक जीवन दिया है वो मेरी जनता के लिए मैं समर्पित करके कुछ करके दिखा पाऊं, यही मेरी जीवन में और मेरे दिल में एक ललक है, और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से चतुर्भुज ने इस वोट में 7 करोड़ के काम किए हैं, इसी तरह ग्वालियर के एक एक वार्ड में, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का नहीं विपक्ष का पार्षद हो, एक एक वार्ड में हम लोग काम कराने की एक संकल्प लेते हैं, और इस ग्वालियर को जिस तर्जे पे बैठाना था, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, उस तर्जे पर बैठाकर ही चैन का सांस ले लूंगा। इन्हीं शब्दों से आप भी लाइव चलो आज इस प्रोग्राम में बता दे, हमारे महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ।